हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आप सबकी स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी लौकी और मसूर दाल से एक बहुत ही टेस्टी सब्जी, जिसमें कोई मसाला का ऐड मैंने नहीं किया। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लेके उसमें सूखा मिर्च और कलौंजी डाल के उसमें आलू डाल दिया। तो आलू को मैं कुछ देर के लिए पकाऊंगी। थोड़ी देर पकाने के बाद मैं यहाँ पे डाल दिया एक चम्मच नमक और एक चम्मच हल्दी। तो अब कुछ देर के लिए मैं आलू को पकाऊंगी। तो साइड में मैं रख के भिगा के रखी हूँ हाफ कप मसूर दाल, बहुत अच्छा से धो के मैं पानी में भिगा के रख दिया आधे घंटे के लिए। तो अब मैं आलू में डाल रही हूँ कटा हुआ प्याज। मैं इधर मीडियम साइज का एक प्याज चॉप्ड करके रखी थी, उसी को मैं डाली। अब प्याज को थोड़ी देर के लिए भूनना है। प्याज थोड़ा थोड़ा कलर चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मीडियम साइज का एक टमाटर चॉप्ड किया हुआ। अब मैं डाली हूँ इसमें नमक। नमक डालने से टमाटर जल्दी से गल जाता है। तो साइड में जो मसूर दाल को मैंने भिगा के रखी थी, उसी को मैं अभी ऐड कर रही हूँ। अब सारी चीज़ को कुछ देर के लिए अच्छा से पकाना है। जब मसूर दाल का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, तब तक मुझे इसको पकाना है। अब मैं साइड में रखी थी बारीक कटा हुआ लौकी, जो मैं इसमें अभी ऐड कर दिया। अब लौकी में मैं डाल रही हूँ नमक और हल्दी। अच्छा से लौकी के साथ हल्दी, नमक और आलू मसूर दाल सब कुछ मिलाने के बाद मैं अभी इसको कुछ देर के लिए ढककर पकाऊंगी। कुछ टाइम पकने के बाद मैं इसको उठा लिया। अभी देखिए इसमें सारा पानी भी गल गया है। तो अभी फिर से मैंने कुछ देर ढक्कन लगा के उठा लिया। अभी इस टाइम पे पानी बिल्कुल सूख गया है और मुझे अभी अभी तो बॉयल होना बाकी है लौकी और दाल, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा ग्लास की बराबर पानी। तो अब पानी को अच्छा से मिलाकर मैं फिर से कुछ देर के लिए ढककर पकाऊंगी, तो ये जो सारी चीज़ अच्छा से बॉयल हो जाएगा। देखिए मैं ढक्कन भी उठा लिया, तो ये सारा सब्जी अच्छा से गल गया, ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी तो मिठास के लिए थोड़ा सा गुड़, आप चाहे तो चीनी भी ऐड कर सकती है। अब मैं इसमें डालूंगी भुना हुआ जीरा पाउडर, और ये जीरा पाउडर डालने से इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है, इसका खुशबू भी अच्छा आने लगता है। तो इस टाइम पे मेरा ये लौकी का सब्जी बिल्कुल रेडी हो गया और मैं इसको रोटी के साथ सर्व करूंगी। आप चाहे तो चावल के साथ भी खा सकते हैं, दोनों चीज़ के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।